हमारा माशरा दो तरह के जेंडर्स में बटा हुआ है, मेल और फीमेल। लेकिन एक और जेंडर भी है जो कि हमारे माशरे में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। चाहे वो पढ़ाई का शोबा हो, चाहे वो कारोबार का शोबा हो, चाहे वो जॉब का शोबा हो, हम मेल और फीमेल को ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर्स को हम किसी ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अपने साथ बैठा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जब कोई भी ट्रांसजेंडर हमारे घर में मांगने के लिए आता है तो हम उसे अपने घर के बाहर खड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर कोई ट्रांसजेंडर हम देख लें, किसी के बारे में सुन लें कि वो कोई शख्स ट्रांसजेंडर है, तो हमारे माइंड में सबसे पहली बात यही आती है कि ये भीख मांगता होगा। हमने भीख मांगने को एसोसिएट कर दिया है ट्रांसजेंडर्स के साथ। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जदीद दौर आया है, वैसे ही वैसे कुछ नए कानून भी ट्रांसजेंडर्स के हवाले से नाफिस किए गए हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि वकील भी हैं, कुछ ट्रांसजेंडर्स अब जो है पुलिस के महकमे में भी काम कर रहे हैं और बाइज्जत रोजी कमा रहे हैं। हर ट्रांसजेंडर फंक्शन करता हो, हर ट्रांसजेंडर जो है वो भीख मांगता हो या वो गलत कामों में मुलव्वस हो, ऐसा नहीं होता। जैसा कि बात हो रही है ट्रांसजेंडर्स की, तो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से काम करने वाले जो दूसरे ट्रांसजेंडर्स हैं उनको अब आलमी तौर पर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और उन्हें आलमी तौर पर सराहा भी जाता है। आलमी शोहरत याफ्ता ख्वाजा सरा नयाब अली ने हीरो एशिया अवार्ड भी अपने नाम कर लिया है। नयाब अली को हीरो एशिया अवार्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक के लिए खिदमात अंजाम देने पर दिया गया। अवार्ड देने की तकरीब थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में मुनक्कद हुई थी। अवार्ड के लिए इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और भूटान समेत तमाम एशियाई ममालिक से 250 यानी कि 250 के करीब ट्रांसजेंडर अफराद को जो है वो नामजद किया गया था। ताहम ये अवार्ड पाकिस्तानी ख्वाजा सरा नयाब अली के हिस्से में आया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वबा चल रही है, तो कोरोना की ही वजह से नयाब अली खुद जाती तौर पर बैंकॉक नहीं जा सकी इस अवार्ड को लेने के लिए। लेकिन तकरीब में नयाब अली का वीडियो पैगाम ज़रूर नशर किया गया था। इस मौके पर नयाब अली का अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि हमने एशिया का सबसे अहम टाइटल जीता है। उनका कहना था कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी की वकालत करने पर मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिस पर मैं खुद को गैर महफूज महसूस कर रही थी और बहुत ज़्यादा अफसरदा थी। लेकिन इसी दौरान इतने बड़े एजाज ने मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए मज़ीद काम करने की हिम्मत दी है, ताकि माशरे को अपनी कम्युनिटी के अफराद के लिए महफूज बना सकूँ। नयाब अली ने मज़ीद कहा कि यह अवार्ड इस बात की उम्मीद है कि एक दिन हमें भी बराबरी के हकूक मिलेंगे और हम दुनिया को तब्दील कर सकेंगे। नज़र शायद नयाब अली ने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरह पुराने ज़माने में ख्वाजा सरा को इतनी इज्जत शायद नहीं दी जाती थी और उनके हकूक बिल्कुल भी नहीं जो है उस माशरे में समझे जाते थे, उनके आईडी कार्ड तक नहीं बने हुए थे। माशरे की तब्दीली के साथ साथ, यानी कि माशरे के रवैयों की तब्दीली के साथ साथ, अब शायद उन्हें उनके हकूक मिलने लग चुके हैं और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि माशरे में, हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर को बराबरी के हकूक दिए जाएंगे और जब वो किसी ऑफिस में जॉब के लिए जाएंगे तो उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें जॉब दी जाएगी, ना कि उनकी सीवी उनके मुँह पर मारी जाएगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।